वेलकम टू ENP वर्ल्ड। आज हम फिलॉसफी अर्थात दर्शन पर बात करेंगे। कई ऐसे महान दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने दर्शन अर्थात विचारों से पूरी दुनिया को अनेक विचारधाराएं प्रदान की। इसके अंतर्गत हम फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफर किसे कहते हैं और फिलॉसफर और उनकी फिलॉसफी, इन सभी पर चर्चा करेंगे। फिलॉसफी कोई भाषा या शब्द नहीं है, यह यूनानी भाषा के दो शब्दों फिल जिसका अर्थ है प्यार और सोफी जिसका अर्थ है आत्मा, इन दोनों शब्दों से मिलकर फिलॉसफी शब्द बना है। फिलॉसफी का पहला शब्द है फिल अर्थात प्यार। प्यार एक एहसास है, इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्यार स्नेह ममता करुणा दया से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। प्यार एक मजबूत आकर्षण और जुड़ाव की भावना है। फिलॉसफी जिससे निर्मित है उसका दूसरा शब्द है सोफी अर्थात आत्मा। आत्मा किसी व्यक्ति की अंतरात्मा अंतर्मन जिसमें गहनतम विचारों और भावनाओं का निवास स्थान होता है, जो अनश्वर अर्थात कभी मरती नहीं, उसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं। हमने फील अर्थात प्यार और सोफी अर्थात आत्मा, इन दोनों शब्दों का मतलब समझा। इन दोनों शब्दों से मिलकर फिलॉसफी शब्द का निर्माण हुआ है। अतः फिलॉसफी का मतलब हुआ ऐसी चीज जिससे आपकी आत्मा प्यार करती है, और वह चीज है सच्चाई अर्थात ट्रूथनेस, या एक ऐसा ज्ञान जिसमें सच्चाई हो। अब आपका दिमाग सोच रहा होगा, आखिर ये सच्चाई नामक बला है क्या चीज? इसका जवाब है, जो भी हमारे साथ इस जीवन में घटित हो रहा है वह सत्य है, और इसी सत्य को व्यक्त करने के तरीके को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सच, सच्चाई, ईमानदारी इत्यादि। लेकिन फिलॉसफी की दुनिया में हम एक ऐसे सच को ढूंढते हैं जो दुनिया में मौजूद तो है लेकिन आम लोगों को नहीं दिखता है। तब कुछ लोग दुनिया में उभर कर सामने आते हैं जो पहले उस अदृश्य सच्चाई को खुद देखते हैं, उस सच्चाई का अध्ययन करते हैं और फिर दुनिया को उस सच्चाई के बारे में बताते हैं। ऐसे लोगों को फिलॉसफर कहा जाता है अर्थात दार्शनिक कहा जाता है। जैसे पहले हम यह मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी स्थिर है, लेकिन कॉपरनिकस नामक फिलॉसफर ने बताया कि सूर्य पृथ्वी की नहीं बल्कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ प्रसिद्ध फिलॉसफर और उनकी फिलॉसफी इस प्रकार है। अरिस्टोटल एक प्रसिद्ध फिलॉसफर हुए, उनकी फिलॉसफी है अरिस्टोटलियन। सुक्रेटिस एक फिलॉसफर है, इनकी फिलॉसफी है सोक्रेटिक अप्रोच। फिलॉसफर प्लेटो, इनकी फिलॉसफी है प्लेटोनिक रियलिज्म। इमैनुअल कांट फिलॉसफर है, इनकी फिलॉसफी है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। एक प्रसिद्ध फिलॉसफर कार्ल मार्क्स, इनकी फिलॉसफी है मार्क्सिज्म। द बुद्ध एक प्रसिद्ध धार्मिक दार्शनिक हुए, इनकी फिलॉसफी है बुद्धिज्म। आदि शंकराचार्य भी एक धार्मिक दार्शनिक हुए और इनकी फिलॉसफी है अद्वैता वेदांता। नागार्जुना, इनकी फिलॉसफी है महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी, ये भी एक धार्मिक दार्शनिक हुए। विष्णुगुप्त चाणक्य भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक और आर्थिक दार्शनिक हुए, इनके द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र जो इनकी फिलॉसफी को प्रदर्शित करती है। वर्ल्ड फिलॉसफी डे की बात करें तो यह हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। पिछले वर्ष 18 नवंबर को तथा इस वर्ष 2022 में 17 नवंबर को तीसरा गुरुवार है।
अतः इस वर्ष 17 नवंबर को वर्ल्ड फिलॉसफी डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फिलॉसफी डे की शुरुआत 2002 में यूनेस्को द्वारा किया गया था तथा इस दिवस को पहली बार 21 नवंबर 2002 को मनाया गया। 2005 में यूनेस्को ने घोषणा किया कि इस दिवस को नवंबर के हर तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 17 नवंबर 2022 का थीम है द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। आप सभी को विश्व दर्शन दिवस की शुभकामनाएं। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।